गमला तोरण पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले 20 चैन बना लेना। पहला चैन छोड़ के और दूसरा में डबल क्रोशिया दो बार बनाना, एक बार और इसी के बीच दो बार एक चैन बना लेना। एक चैन छोड़ के ये दूसरा चैन में फिर इसी तरह डबल क्रोशिया बनाना दो बार, इसी तरह डिजाइन बार बार रिपीट होगा। एक चैन एक चैन छोड़ के इसके अगला में दो बार डबल क्रोशिया बनाना, इसी तरह बार बार डिजाइन बनेगा। एक दो तीन चार पाँच छः बार डिजाइन बनाने के बाद चैन मत बनाना, एक बार और इस बार एक छोड़ के इसमें एक बार और बना लेना। एक बस एक दो चैन बनाना लास्ट में, इसके छोड़ देना, इसमें दो बार बनाना डबल क्रोशिया बस इसी के बीच दो बार, एक बार चैन बना लेना दो बार डिजाइन बनाना, एक चैन बनाना के बीच दो बार डबल क्रोशिया बना लेना। लास्ट है चैन नहीं बनेगा, इसके बीच एक बार और एक बार बनाना डबल क्रोशिया, दो चैन बनाना, फिर इसके बीच नहीं, फिर अब इसके बीच बनाना, इसके बीच दो बार। अब इसी तरह डिजाइन बार बार कंप्लीट होगा। एक चैन बनाना, इसके बीच दो बार डबल क्रोशिया बना लेना, चैन मत करना, इसके बीच एक बार बनाना डबल क्रोशिया और इसके कैंची की मदद से काट लेना। गमला बनाने के लिए सबसे पहले सर्कल बना लेना, एक दो चैन बना लेना, इसी के बीच 10 बार डबल क्रोशिया बनाना 10 बार, एक दो 10 बार डबल क्रोशिया बन गया। अब इसके सिंगल क्रोशिया से इधर जराइन कर लेना, एक दो चैन बनाना, हर एक में डबल क्रोशिया बनाना, एक हर एक में डबल क्रोशिया बना लेना, दो, इसी तरह ये पूरा डिजाइन कंप्लीट होगा। हर एक में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाना, हर एक में इसी तरह बार बार डिजाइन कंप्लीट होगा। इसके सिंगल क्रोशिया से जराइन कर लेना। अब हर एक में इस तरह सिंगल क्रोशिया बांध लेना, हर एक में इसी तरह गमला डिजाइन तैयार होगा। सिंगल क्रोशिया से इसके जराइन कर लेना। अब इसके हर एक में फिर तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाना, एक दो तीन, चार बार सिंगल क्रोशिया बना लेना। अब इस तरह पांचवा में इस तरह धागा रोक लेना निकाल के, इसके अगला में तागा निकाल के रोक लेना, एक ही तागा से बांध लेना, फिर चार बार सिंगल क्रोशिया बांध लेना इसी तरह, दो तीन चार, इसके अगला में इस तरह तागा निकाल के रोक लेना, इसके अगला में फिर तागा निकाल के रोक लेना, एक ही तागा से बांध लेना। अब इसी तरह ये डिजाइन कंप्लीट होगा बार बार, फिर
इसको सिंगल क्रोशिया से यहाँ बांध लेना। अब एक लाइन बन गया, ये छोटा गमला है, ये निशानी है, इसी के साइज में आके रोक देना, छोटा गमला है। और फिर अब तीन बार, एक दो तीन, तीन सिंगल क्रोशिया बन गया। अब इसके अगला में इस तरह तागा लेके रोक लेना, इसके अगला में इस तरह तागा लेके रोक लेना, एक ही तागा से बांध लेना। फिर तीन बार सिंगल क्रोशिया बांध लेना, एक दो तीन, फिर इसके अगला में इस तरह तागा निकाल कर रोक लेना, इसके अगला में तागा निकाल कर रोक लेना, एक ही तागा से बांध लेना। निशान है यहाँ तक, ये निशान है यहाँ तक, डिजाइन कंप्लीट कर लेना। अब ये निशान है यहाँ तक बन गया। अब दो बार सिंगल क्रोशिया बांधना, दो बार सिंगल क्रोशिया बांध के अब इस तरह फिर तीसरा में धागा निकाल कर रोक लेना, फिर धागा निकाल कर रोक लेना। अब इसी तरह एक ही धागा से बांध लेना। अब ये डिजाइन इसी तरह बार बार कंप्लीट होगा। ये छोटा गमला है, अब ये बन गया पूरा। अब इसके सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, अब 10 बार इसके सिंगल क्रोशिया बांधना, एक ये निशान है, दो तीन चार पांच ये 10 बार सिंगल क्रोशिया बन गया। अब इसके एक दो चैन कर लेना, इसी के बीच दो बार डबल क्रोशिया बनाना, एक दो, इसके अगला में फिर दो बार डबल क्रोशिया बनाना, एक दो, इसी तरह 5 बार बनेगा टोटल डबल क्रोशिया। एक दो बार बन गया, 3 बार और, एक, इसी के बीच एक बार और डबल क्रोशिया हर एक में, अभी इसके बीच दो बार डबल क्रोशिया, एक दो बन गया। अब एक दो चैन बना लेना, इसी के बीच सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, कैंची की मदद से काट लेना। और जो धागा है इसके अंदर इस तरह खींच लेना, ये जो धागा है इसके भी अंदर खींच लेना। फूल बनाने के लिए सबसे पहले सर्कल बना लेना, इसी तरह एक चैन बना लेना, 8 बार सिंगल क्रोशिया बनाना, ये 8 बार, 3 4 8 बन गया। अभी इसका खींच लेना, जो एक चैन बना है इसी के बीच इस तरह पकड़ के इसके सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, इस तरह सर्कल का खींच लेना पीछे से, दो चैन बना लेना और पीछे इसके इस तरह घुमा लेना, इसी के बीच इस तरह सिंगल क्रोशिया से बांध लेना। फिर एक दो चैन बनाना, एक दो, तीसरा में दो छोड़ देना, तीसरा में सिंगल क्रोशिया के से सिंगल क्रोशिया से पीछे से बांध लेना, एक दो, देखो एक दो छोड़ के पीछे से सिंगल क्रोशिया से बांध लेना। अब इसके जो ये बना है दो, इसी में ले आके इस तरह जराइन कर लेना, एक चैन कर लेना। तीन बनाना है, एक दो तीन, तीन बनाना है, दो दो को चैन करके, ये 8 में 3 बनाना है पीछे से। अब इसी के बीच इसके सिंगल क्रोशिया से बांध लेना,
अब पांच बार डबल क्रोशिया बनाना, एक एक दो तीन चार पांच, पांच बन गया। सिंगल क्रोशिया से बांध लेना इसके। अब फिर ये दो चैन बना है पीछे से, इसी के बीच सिंगल क्रोशिया से बांध लेना। फिर पांच बार इसके इस तरह डबल क्रोशिया बनाना, एक दो पांच, पांच बन गया डबल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया से इसके बांध लेना। फिर जो दो चैन है इसके बीच फिर बनाना, सिंगल क्रोशिया से बांध लेना। और पांच बार इसमें डबल क्रोशिया बनाना, एक दो तीन पांच। अब सिंगल क्रोशिया से इसके बांध लेना। अब इसमें एक बार लेके इस तरह बांध लेना, कैंची की मदद से काट लेना। अब इसके बांध लो, कहीं से भी जोड़ लेना, चाहे इधर से जोड़ लो चाहे इधर से, कहीं से इधर से जोड़ लेना। उस बार चैन बना लेना, एक दो। पहला चैन में धागा निकाल के एक ही तागा से इस तरह बांध लेना। फिर अगला चैन में धागा निकाल के एक ही चैन से बांध लेना। फिर अगला में चैन में धागा निकाल के एक ही धागा से बांध लेना। अगला चैन में धागा निकाल के एक ही धागा से बांध लेना। अभी इसी तरह बार बार इसके रिपीट करके बना लेना डिजाइन। अभी बन गया, कैंची की मदद से काट लेना। दोनों को बांध लेना, इसी तरह फूल बना कंप्लीट कर लेना। जो ये गमला बनाए हमने, ये गमला में इस तरह फूल लगा लेना। अब इसके तोरण पट्टी में लगा के चारों तरफ से इसके सी लेना इस तरह। इसके इस कलर के ऊन से सी लेना और इसके इस कलर के ऊन से सी लेना। हरा कलर के धागा जोड़ लेना, तीन चैन बनाना और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया से बांध लेना। फिर एक दो तीन चैन बनाना और एक छोड़ के अगला में सिंगल क्रोशिया से बांध लेना। एक दो तीन चैन बनाना, छोड़ के इसके अगला में सिंगल क्रोशिया से बांध लेना। तीन चैन बना लेना, छोड़ के अगला में बना लेना, सिंगल क्रोशिया से बांध लेना। एक दो तीन, तीन चैन बनाना, एक छोड़ के इसके अगला में सिंगल क्रोशिया से बांध लेना। इसी तरह डिजाइन बार बार कंप्लीट कर लेना। ये मटका है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऊन भर लेना। अब इधर सुई से सी लेना, इस तरह सब में थोड़ा थोड़ा ऊन भर लेना। इसी तरह सब में भर लेना।